नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AMT गियरबॉक्स के बारे में, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। अभी बहुत टाइम से ये रिक्वेस्ट आ रही थी गियरबॉक्स पे वीडियो बनाओ, गियरबॉक्स पे वीडियो बनाओ, तो मैंने शुरुआत AMT से इसलिए करना चाहिए क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशन तो ऑलमोस्ट आप सबको पता है। अगर आपको उसकी वर्किंग जाननी है तो वो भी मैं समझा दूंगा, आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अभी AMT जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर का पहला ट्रांसमिशन मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों AMT जो है वो एक्चुअल में कोई ऑटोमेटिक गियरबॉक्स नहीं है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हाँ AMT कोई ऑटोमेटेड गियरबॉक्स नहीं है। हाँ, वहाँ पे क्लच पेडल नहीं होता, आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिक जैसा ही फील होता है ना। क्यों होता है वो बताता हूँ मैं आपको। आप सपोज करें कि आपके पास एक कार है वेगनार में आपके पास 5 गियर्स है और आप थोड़े खुराफाती दिमाग के हैं मेरी तरह, तो आपने क्या किया, एक रोबोट बना दिया। आपने उस रोबोट को प्रोग्राम कर दिया कि भाई कब गियर चेंज करना है, इतनी स्पीड हो जाए तो ये क्लच दबा के ये गियर चेंज कर देना, इतनी स्पीड हो जाए तो ये क्लच दबा के ऐसे गियर चेंज कर देना। ठीक है, आपने रोबोट बनाया वेगनार में, आपने लगाया, आपने प्रोग्राम कर दिया उसे। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, जब भी गाड़ी में बैठ रहे हो आपको कुछ नहीं करना, एक्सेलरेशन देना है, रोबोट का काम है वो अपने आप गियर चेंज करता जा रहा है, जब जरूरत पड़ रही है जैसे जरूरत पड़ रही है गियर चेंज कर रहा है और आप ब्रेक और एक्सेलेटर पे काम कर रहे हो। हुआ तो अब आपके लिए गाड़ी ऑटोमेटिक होगी क्योंकि आपको क्लच भी ऑपरेट नहीं करना पड़ रहा, गियर भी ऑपरेट नहीं करना पड़ रहा, तो ऑटोमेटिक होगी आपके लिए। एग्जैक्ट सेम चीज AMT में होती है। AMT में क्या होता है, 3 यूनिट लगा दी जाती है दोस्तों। एक यूनिट तो इलेक्ट्रॉनिक होती है पूरी तरीके से, जो कि कंट्रोल करती है कि कब गियर एक्चुअली चेंज करना इनिशिएट होगा। बाकी 2 यूनिट हाइड्रोलिक होती है, एक कंट्रोल करती है क्लच को, एक कंट्रोल करती है गियर्स को। तो वो 2 यूनिट जो है वो आपके लिए एज ए रोबोट काम कर रही है। गियरबॉक्स वही है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, उसी पे फिट किया गया है एक ऑटोमेटिक सिस्टम, यानी कि वही मैनुअल गियरबॉक्स है जो आपको पहले मिल रहा था। बस इस बार क्या किया, क्लच पेडल हटा दिया, उसकी जगह आपके लिए एक सहूलियत के लिए लगा दी हाइड्रोलिक यूनिट, गियर हटा दिया उसकी जगह लगा दी एक हाइड्रोलिक यूनिट जो कि आपके लिए गियर का काम कर रही है, और रोबोट की तौर पे, रोबोट के दिमाग के तौर पे वहां लगा दिया एक ECU, जिसको TCU भी बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट भी, वो लगा दिया और आपका काम बन गया। कितनी इजी चीज है, एक मैनुअल गियरबॉक्स को ही एक ऑटोमेटिक गियरबॉक्स बना दिया। अब ये क्यों ज्यादा यूज किया जाता है, उसके कारण मैं आपको बताता हूँ। AMT दोस्तों ज्यादा इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि एक तो ये सस्ता आता है, लगभग 50,000 से 60,000 में आप किसी भी गाड़ी में AMT लगा सकते हैं, मैनुअल, किसी भी मैनुअल कार में आप AMT लगा सकते हैं। बाद में ये चीज नहीं लगती है, लेकिन मान लो फैक्ट्री में जब बन रहा है तो पहले से डिसाइडेड है, तो लगभग 50,000 से 60,000 की कॉस्ट एक्स्ट्रा आती है और ये लग जाता है। उसके बाद ये एक्चुअली क्योंकि मैनुअल ही है और वो बेहतर तरीके से चेंजेस होंगे गियर के, तो आम तौर पे इंसानों से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी ये दे देता है, लेकिन कई लोग एक्सपर्ट होते हैं फ्यूल एफिशिएंसी निकालने में, तो उतना तो ये नहीं कर पाता, लेकिन आम तौर पे इंसानों से ज़्यादा बेहतर ये फ्यूल एफिशिएंसी निकाल देता है। एक और चीज़ इसका एडवांटेज ये है कि इसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप मैनुअली भी गियर चेंज कर पाएं, एक ऑप्शन दे दिया जाता है प्लस माइनस का, आप मैनुअली गियर चेंज कर सकते हैं। हाँ, आप 5th से सीधा 1st में नहीं जा सकते, ऐसे नहीं होता, मतलब आपको हर एक गियर एक एक टाइम पे एक बार चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो क्योंकि ये गियरबॉक्स जो है वो 50-60 हज़ार के आसपास पड़ रहा है, यानी कि ये बाकी जो एक्चुअल में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है, टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक या CVT या DCT जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, उन सबसे सस्ता पड़ता है। तो बस यही चीज़ है, AMT जो है आमतौर पे छोटी गाड़ियों में देखा जाता है। मारुति इसको AGS भी कहती है, सिलेरियो में इंट्रोड्यूस किया गया था, एल्टो में भी आता है, वेगनार में भी आता है, इवन 11 लाख के स्विफ्ट में भी ये सेम AMT यूनिट ही यूज़ की जाती है। तो बस इतना ही है, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, AMT ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक मैनुअल ट्रांसमिशन के ऊपर ही एक छोटी सी यूनिट फिक्स कर दी गई है, वो जो है ऑटोमेटिक बना देती है गाड़ी को, पूरी तरीके से ऑटोमेटिक नहीं है। तो बस फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि मैं डेली ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक ना एक ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए दोस्तों, धन्यवाद।